हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार. थैंक यू सो मच फॉर माय व्यूइंग मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस. मैं आज हेयर ट्रीटमेंट के बाद में केराटिन ट्रीटमेंट के बाद में आप अपने बालों की कैसे देखभाल करते हैं उसके ऊपर एक वीडियो बना रही हूँ. जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने हेयर ट्रीटमेंट कराया था, केराटिन कराया था अपने हेयर्स में, उसके बाद में मैंने जो ट्रीटमेंट के बाद में मैंने जो केयर की, मैं वो एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ. तो गाइस, जब मेरी शादी थी 4-5 महीने पहले, तो तब मैंने ट्रीटमेंट लिया था केराटिन का. आप देख सकते हैं मैंने बालों की इतनी देखभाल की कि अभी तक भी मेरे बाल स्मूथ, शाइनी एंड अच्छे हैं. आप देख सकते हैं वीडियोस में एंड ऑल. तो मैं आपको उसी के बारे में, तो मैं जो आज आपको रिव्यूज देने जा रही हूँ वो जीके के बारे में देने जा रही हूँ. और इसका एक और फायदा है कि अगर आपने एक और रिव्यूज देना चाहूंगी कि अगर आपने अपने हेयर्स पे कलर करा रखा है उनके लिए तो ये वाला शैम्पू बेस्ट है. केराटिन ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर कलर्ड बाल हैं, अगर आप इस शैम्पू और इस कंडीशनर को यूज करते हैं, तो आपके बाल लॉन्ग टाइम तक स्टे रहेंगे ट्रीटमेंट के सहित. तो मैं इसी के बारे में रिव्यूज देना चाहती हूँ गाइज. ये बहुत अच्छे शैम्पू हैं, थोड़े एक्सपेंसिव पड़ेंगे आपको, 3600 के आसपास, 3600 के शैम्पू पड़ेंगे ये. लेकिन अगर आप खरीद सकते हैं तो, और नहीं खरीद सकते हैं तो सुन लो, जब लायक हो जाओ तब खरीद लेना, क्योंकि हर कोई स्टार्टिंग में तो इतना अफोर्ड नहीं कर पाता है. बट तब भी अगर आप जब हो आपको, या फिर अपनी नॉलेज के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू करें, तो अगर आपने कोई हेयर पे केराटिन ट्रीटमेंट कराया है तो अलग अलग शैम्पू, लॉरियल का अलग है, वेला का अलग है, हबीब का अलग है, तो आप अलग अलग ब्रांडिंग में जाते हैं. लेकिन अभी तक का मैं 2-3 बार करा चुकी हूँ, मुझे बेस्ट जीके का लगा है. थोड़ा एक्सपेंसिव है बट बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं. वैसे तो केराटिन आपका 2 या 3 मंथ चलता है, लेकिन अगर आप अच्छे से केयर करते हैं, अच्छे से उनका देखभाल करते हैं, तो वो आपका 3 से 5 मंथ तक अच्छे से चल सकता है और आपके बाल इतने स्मूथ एंड शाइनी लगते हैं. अब मैं बताना चाहूंगी कि केराटिन ट्रीटमेंट है क्या. केराटिन ट्रीटमेंट कोई रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग की तरह नहीं है. केराटिन ट्रीटमेंट ये है कि अगर आपके बाल बेबी हो गए हैं और थोड़े से उलझे हुए से हो गए, उनको स्ट्रेट करने के लिए, उनमें थोड़ी एनर्जी, उनमें थोड़ी प्रोटीन्स देने के लिए आपको केराटिन ट्रीटमेंट करवाते हैं आप लोग, या करवाना चाहेंगे. तो ये एक लेमिनेशन का काम करता है कि आपके बालों पे थोड़ा लेमिनेशन हो तो डस्ट वस्ट से थोड़ा बचाएगा, आपके बालों को थोड़ा स्मूथली एंड हेल्दी रखेगा. ये है केराटिन ट्रीटमेंट, अदरवाइज कुछ भी नहीं है. जो स्ट्रेटनिंग एंड रिबॉन्डिंग का प्रोसेस होता है वो 3 या 4 घंटे का होता है, लेकिन केराटिन ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का होता है. आपके 2 बार बाल वॉश करते हैं ये, जहाँ पे वेला पे जा रहे हो, हबीब पे जा रहे हो, लॉरियल पे जा रहे हो, कहीं भी जाए, तो 2 बार आपके हेयर को बहुत अच्छे से करेंगे. उसके बाद में लेयर बाय लेयर ऐसे लेयर पकड़ लेंगे और क्रीम क्रीम ऐसे 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 आप घर पे भी कर सकते हो. क्रीम्स लाके मार्केट में आते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियोज बनाऊंगी आने वाले वीडियोज में. केराटिन कैसे करते हैं, स्पा कैसे करते हैं, स्ट्रेटनिंग कैसे करते हैं, रिबॉन्डिंग कैसे करते हैं, मैं उसके भी वीडियो बनाऊंगी. तो फर्स्ट ये है कि जैसे आपको ये जब केराटिन करते थे ऐसे ऐसे आपके थोड़े थोड़े लेयर करके, तो ये ज़्यादा टाइम का ट्रीटमेंट नहीं है, 1 घंटे का प्रोसेस है. ये 1 बार करते हैं, जिनका 1 बार में सेटल नहीं हो पाता तो उनका 2 बार करते हैं. उसके बाद में हेयर वॉश करवाते हैं, फिर 2 बार पहले हेयर वॉश करते हैं, 2 बार बाद में हेयर वॉश करते हैं, और उसके बाद में आपकी अच्छे से प्रेशिंग करते हैं जो कि आपके लॉन्ग टर्म तक चल सके. लॉन्ग टर्म में एज लाइक 2.5-3 मंथ, लेकिन अगर आप अच्छे से केयर करते हैं तो आपका 4-5-6 मंथ तक. अब मेरी हेयर को 4-5 मंथ हो गए, अभी तक भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना हुआ है. अब सेकेंड थिंग, ये इसके करवाना क्यों चाहिए मैं वो बताती हूँ आपको. जब आपने कभी रिबॉन्डिंग करवाई है, स्ट्रेटनिंग करवाई है, तो बाल ना बहुत ही टूटने लगते हैं, हल्के हो जाते हैं, तो उनको प्रोटीन्स देने के लिए, उनको अच्छे से सेटल करने के लिए आपको केराटिन ट्रीटमेंट करवाना चाहिए. रिबॉन्डिंग स्ट्रेटनिंग के बाद में अगर हेल्दी हेयर्स रखने हैं तो केराटिन ट्रीटमेंट है, और देन उसके बाद में है स्पा. तो ये एक मिड का पार्ट है.
अब सेकंड थिंग मैं आपको बता दूं कि ये करना कैसे चाहिए, आपको केयर कैसे करनी चाहिए। आप कहीं धूप में निकल रहे हैं तो हेयर पे कपड़ा बांध कर निकलिए, डस्ट और पॉल्यूशन धूप का हेज आपके हेयर्स पे ना पड़े, जिससे कि आपके बालों में डस्ट जाती है तो वो बढ़ते नहीं है, सर में बैठ जाती है तो हेयर ग्रोथ थोड़ी कम होती है और आपकी शाइनिंगनेस चली जाती है। सबसे पहला एक ये है। सेकेंड थिंग, जब भी आप कंडीशनर करें, जब भी ये जीके का कंडीशनर करें तो हमेशा लेयरिंग में करें, ऐसे ऐसे लेयरिंग में, ऐसे लेयरिंग में, कभी भी स्कैल्प पे कंडीशनर ना लगाएं। अगर आप स्कैल्प पे लगाते हैं तो आपकी रूसी हो जाती है, आपके हेयर्स की ग्रोथ रुक जाती है, ये सब इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, तो आप कैसे करें। थर्ड थिंग, इसको लगा के 10 मिनट तक, लोग बोलते हैं 5 मिनट तक, पर 5 मिनट तक नहीं, पहले अच्छे से हेयर को वॉश करिए, वॉश करने के बाद में टॉवल से वॉश कीजिए, सारा पानी जब साफ हो जाए देन उसके बाद में कंडीशनर इसका जीके का लीजिए। अगर आप ये यूज करना चाहते हैं तो अगर आपने केराटिन बनाया है उसके बाद कब देन उसके बाद में हर जगह के लेयर से टॉवल से पूछने के बाद में तब आप कंडीशनर लगाइए और 10 मिनट के लिए हेयर को ऐसे छोड़ दीजिए। तो जब 10 मिनट के बाद आप गाइस धो गए अपने हेयर को, उसके बाद में तो जो ही आपके हेयर में साइन एंड ऑल आने वाली है, ये मैं कर चुकी हूँ, इसीलिए आपको इतना कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ। ये मैं आपको दिखा देती हूँ हेयर ट्रीटमेंट, जीके का हेयर टाइमिंग सिस्टम है, कलर प्रोटेक्शन के लिए ये ज्यादा होता है। अगर किसी मैंने ब्लैक कलर कराया था तो उसके लिए मैंने ये यूज, इसीलिए मैंने ये लिया। अगर कलर प्रोटेक्शन भी नहीं है तब भी आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं, तब भी आप इसको यूज करेंगे उतना ही इफेक्टिव होगा, लेकिन कलर होगा तो आपका कलर को कलर करे हुए बालों पे अगर आप यूज करेंगे, ये करेंगे यूज, तो आपको ज्यादा आपके कलर्स को जल्दी नहीं जाने देगा और लॉन्ग टर्म तक कलर्स को रखेगा। तो कलर प्रोटेक्शन के लिए है मॉइस्चराइज कंडीशनर है ये वाला, और ये है आपका शैम्पू, कलर प्रोटेक्शन मॉइस्चराइज शैम्पू है ये, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपके हेयर फॉल नहीं होता है और ये बहुत अच्छा रहता है। जब शैम्पू कर लो, कंडीशनर जो मैंने प्रोसेस बताया उसके बाद में, जैसे हम नॉर्मल हेयर को वॉश करने के बाद में अपने हेयर्स पे ऑयलिंग करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, वैसे ही आपको ये जॉन फेरिडा का, मैं ये प्रोटेक्ट फैटनेस का ऑयल यूज करती हूँ, ये सीरम है, तो आप चाहे तो ये ले सकते हैं, और भी बहुत सारे वेला का आता है, आप वो सीरम ले सकते हैं जो आपको बालों को सूटेबल रहे। जैसे लोग तो लिवॉन भी यूज करते हैं जनरली, क्योंकि ये थोड़े एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं जो मैं दिखा रही हूँ, बट इसके लिए बेस्ट ये ही है, ये सीरम आप यूज करिए। फिर सीरम कैसे यूज करना, जब आपने कंडीशनर कर लिया, फिर आपने टॉवल से हल्के से बाल, जब बाल हल्के हल्के गीले हैं देन उसमें ही आपको ये सीरम हल्का हल्का ऐसे निकाल के और ऐसे ऐसे हाथों पे मल के ऐसे ऐसे ऐसे, फिर एक लेयर डालो, फिर ऐसे ऐसे, फिर पीछे से एक लेयर डालो, ऐसे ऐसे, जब ये वाला पार्ट हो गया देन फिर इस वाले पार्ट को लेयर डालो, ऐसे ऐसे करके आपको सीरम यूज करना है। तो गाइस ये रिव्यूज थे जीके के शैम्पू कंडीशनर और आपका सीरम के। अगर आपको मेरी वीडियो